Hello, my dear educators. Welcome to the second part of afltools for competency-based education. And today we're going to talk about 10 more tools to enhance competency-based education in your classes. And see, we have already shared with you 10 tools in the first part. And today we're going to start from 11th number, lesson target setting. Now, make the lesson more purposeful for students by setting the targets at the beginning about what you and the class are going to do. पूरे चैप्टर के पहले जैसे हम बच्चों से लर्निंग इंटेंशंस, लर्निंग आउटकम शेयर करते हैं, तो उसके साथ में यू विल बी सेटिंग स्मॉल माइलस्टोन्स और द टारगेट्स की ये हमारे छोटे छोटे टारगेट्स रहेंगे जिसके बेसिस पर वी विल बी एबल टू मैप आवर प्रोग्रेस और जो है वो आप एक साथ मिलकर को क्रिएट कर सकते हैं वो माइलस्टोन्स ताकि बच्चे उसके साथ में मैप कर पाए अपनी लर्निंग, अपना प्रोग्रेशन, लाइक हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग स्टेप बाय स्टेप एंड दे आर नियरिंग टुवर्ड्स देयर गोल, राइट? सो दे हैव टू शो दैट काइंड ऑफ लर्निंग टारगेट्स. And now next is teacher's review. The teacher leads the review of the lesson or the unit using questioning to elicit understanding from the students. हम क्लास में जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसका रिव्यू करना है, उसके लिए मैंने आपसे शेयर किया था इन द लेसन प्लान ऑल्सो कि जब हमने लेसन प्लान है, हमने लेसन डिलीवर किया, हमने लेसन प्लान चाहे बनाया वो 15 डेज के लिए, चाहे बनाया एक प्रॉपर लेसन के लिए, वीक का लिखा, 40 मिनट्स का लिखा, हमेशा हम बच्चों के इसका एक रिव्यू लेते हैं, रिफ्लेक्शन लेते हैं कि उनको कितना समझ में आया. दैट वी कंडक्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जिट टिकट एक्टिविटी, 2 stars and a wish, 1 statement, 1 phrase, 2 keywords, जो भी है, questioning, oral, quizzing, कुछ भी करना है उस तरीके से you can use number of strategies in your class. बट उसमें आपका रिव्यू क्या है, आपको कैसे पता चलेगा बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? वो डिपस्टिक यूज करनी है ना स्कूटर में, जब हम वो डिपस्टिक यूज करके उसके इंजन में, व्हीकल के इंजन में चेक करते हैं कि उसमें फ्यूल का लेवल कितना है, वैसे ही हमें चेक करना है बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है. उसके लिए वी विल बी आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस टू देम, सो द सेम कैन बी डन. टीचर को मैप करना है कि ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है और बच्चों को कितना उसमें से समझ आया, कितने लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए, अकॉर्डिंगली योर रिव्यू. And only your review, your perspective doesn't matter. इसके साथ और क्या है? स्टूडेंट का रिव्यू. सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स का रिव्यू लेंगे. स्टूडेंट्स रिव्यू देयर ओन लर्निंग, वो ग्रुप में कर सकते हैं, वो इंडिविजुअली कर सकते हैं. दिस यू कैन मेक चेंजेस. कभी उनसे ग्रुप में आपने 4 बच्चों को बोला कि दे हैव टू राइट देयर रिव्यू, दे हैव टू शेयर देयर लर्निंग, और कभी उनसे इंडिविजुअली पूछ लिया डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबल विद यू, राइट? सो when students they will be reviewing their own learning, वो आप एक ना kind of plenary भी जो है वो arrange कर सकते हैं class में, mainly plenary, छोटे से कुछ question quiz की format में. They will be able to review the same in the kind of formative assessments as well, so that you need to decide how the same will be carried forward in the class, right? And now the next is traffic light strategy, to get to know about the students' learning, about the students' understanding. For that, you will be able to get complete recorded video on my channel on 3 lights, traffic light strategy. तो फिर भी जरा इसको छोड़ते नहीं, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. ग्रीन एरियाज आई फुली अंडरस्टैंड, येलो एरियाज आई एम इन द मिडल एट दैट मोमेंट, एंड रेड एरिया इज आई एम स्ट्रगलिंग एंड आई नीड हेल्प. ठीक, ओके, सो मेक श्योर यू यूज दिस स्ट्रैटेजी. मेरे चैनल पर जो आपके साथ में वीडियो अभी लिंक शेयर करूंगी उसमें इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी मैंने डिस्कस करे हैं कि ट्रैफिक लाइट स्ट्रैटेजीज को डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे यूज करना है, ऑनलाइन में कैसे करना है, ऑफलाइन में कैसे करना है, और डिफरेंट वेरिएशंस उसकी डिस्कस करिए. मेक श्योर यू गो थ्रू दैट. सो नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी गोना डिस्कस इज सेल्फ असेसमेंट टारगेट. सेल्फ असेसमेंट टारगेट, जैसे हमने पहले शुरू में कहा कि बच्चों के साथ में हमने डिवाइड कर लिया, लर्निंग इंटेंशंस पहले शेयर किया, लर्निंग टारगेट्स हमने बनाए बच्चों के साथ मिलकर, देन वी डिवाइडेड द सेम इनटू डिफरेंट स्टेप्स कि छोटे छोटे माइलस्टोन हम अचीव करे जाएंगे. लेट अस सेलिब्रेट ईच अचीवमेंट, ईच स्मॉल अचीवमेंट. Let us celebrate our success for that, so that it gives confidence to the students. So students they give themselves targets based on the self-assessment. बच्चों ने self-assessment किया, बच्चों ने realize किया कि मैं कहाँ पर अभी stand कर रहा हूँ, और उसके accordingly what are my targets, individual targets set किए. बच्चों को पता चलता है, let them mark themselves. मैंने पहले जैसे शेयर किया, बच्चे खुद मार्किंग करते हैं, बच्चों को पता है कि मेरा यहाँ प्रेजेंटेशन पे इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि मुझे प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करना है। बच्चे ने कहीं पर वोकैबुलरी इतना ज्यादा नहीं यूज किया है, वास्ट वोकैबुलरी होना चाहिए, तो चाइल्ड विल बी सेटिंग द टारगेट कि मुझे अपनी शब्दावली में, अपनी वोकैबुलरी में जो है उसमें उसको इंक्रीज करना है। तो दे आर द माइलस्टोन्स दैट दे विल बी सेटिंग विद योर फीडबैक। आप फीडबैक देंगे, आप गाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे अपने छोटे छोटे और टारगेट सेट करते जाएंगे। And the next tool is 2 stars and a wish that you can see a complete recording on my channel. That is the first video in the playlist of Visible Thinking Routines. Make sure you use it. इसमें हम क्या करते हैं, क्लास में बच्चों का फीडबैक लेते हैं, और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, ये हम स्टूडेंट फीडबैक भी ले सकते हैं, पीयर फीडबैक भी ले सकते हैं, आई मीन सेल्फ असेसमेंट भी है, टीचर की तरफ से भी फीडबैक हो सकता है कि बच्चों से पूछते हैं जो उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया, जो उनका टास्क है, उसमें से 2 स्टार्स जो उनके 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो उसको हाईलाइट करेंगे। जब वो पीयर का वर्क चेक करे तो उसमें से 2 पॉजिटिव पॉइंट हाईलाइट करेंगे। जब आप बच्चों का वर्क असेस कर रहे हो तो आप उसमें से 2 द बेस्ट फीचर्स जो है वो उनकी हाईलाइट करोगे, आप अप्रिशिएट करोगे, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है बेटा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, यू हैव प्रेजेंटेड इट सो वेरी वेल, राइट, कंटेंट इज गुड। तो विश आप उसमें कुछ फीडबैक दे रहे हैं कि बेटा यू नीड टू गिव मोर साइटेशंस, यू नीड टू गो फॉर रिसर्च। तो accordingly the students, the peer group, you will be able to use this strategy. If you want to see the detail, go and check my channel for that. And now the next tool is articulate then answer. When you ask any question in the class, before the children they answer that question, before answering the question posed by the teacher, they first have to think silently for 30 सेकेंड, मंथन करते हैं, सोचते हैं, पॉज टाइम, दे नीड टू थिंक अबाउट। उसके बाद में क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म इन पेयर्स फर्स्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स, पेयरिंग, थिंक पेयर शेयर जैसे होता है, फर्स्ट दे विल थिंक एंड देन दे विल पेयर अप, दे विल शेयर, दे विल डिस्कस द सेम, ब्रेनस्टॉर्म विद द पीयर ग्रुप, राइट सम ऑफ द थॉट्स डाउन, कुछ पॉइंट्स उसमें जॉट डाउन करेंगे, देन दे विल आंसर, देन दे विल शेयर विद द ग्रुप, देन दे विल शेयर विद द क्लास। सो आर्टिकुलेट द आंसर, दिस इज अनदर टूल फॉर योर एएफएल टूलकिट। नेक्स्ट इज सीन सेटिंग। You need to set the scene for the lesson, for the topic that you are dealing with. If you are talking about any, you see, a particular topic in any of the subject, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी लैंग्वेजेस में, सोशल साइंस में कुछ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसका एक बिगर पिक्चर जो है वो बच्चों को क्लियर करना होगा कि दिस इज द बिगर पिक्चर, अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा आइडिया आता है, वो अपना जो है दे विल बी एबल टू ब्रॉडन द एस्पेक्ट, कहाँ उनको सोचना है, क्या है, लिमिटेड थिंकिंग नहीं होना चाहिए। For example, a lesson on the Vietnam War could begin with the question, do Americans think they fight wars or win them? Broader aspect. Limit नहीं करेंगे उनकी thinking को, तो this you can done in any of the subject, in any of the topic. So the next tool for your toolkit is tell your neighbor. Tell your neighbor, tell your peer, tell your partner, tell your child who is sitting next to you, right? आपने क्लास में जो एक्सप्लेन किए लर्निंग इंटेंशंस, आपने जो बिगर पिक्चर बच्चों को समझाया है या कोई और चीज बताई है, यू शुड आस्क योर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द सेम टू द पीयर ग्रुप, टू द सेम टू द पार्टनर, राइट? आप खुद भी इस चीज को रियलाइज करते हैं कि जो चीज हमने पढ़ी वो उतने अच्छे से हमें समझ नहीं आती, जब हम पढ़ाते हैं, जब हम दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा वो चीज की क्लैरिटी होती है, और हमारे मन में अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम पहले नहीं सोचते समझते हुए, जो हमें किसी ने समझाया है तब हमारे माइंड में वो क्वेश्चंस डेवलप नहीं होते। जब हमने किसी को समझाना है तब हमारे माइंड में जरूर क्वेश्चंस आते हैं कि यार अगर इसने ये क्वेश्चन पूछा, अगर इसने ये पूछा तो उसको क्या समझाएंगे। तो मीन्स यू नीड टू आस्क योर स्टूडेंट्स टू टेल द नेबर एज अ मीन्स ऑफ आर्टिकुलेटिंग देयर थॉट्स। आस्क अ क्वेश्चन, गिव थिंकिंग टाइम एंड देन आस्क स्टूडेंट्स टू टेल द नेबर देयर थॉट्स। टेल द स्टूडेंट्स व्हाट द न्यू टॉपिक इज एंड आस्क देम टू टेल द नेबर अबाउट एवरीथिंग दे नो अबाउट इट। कितना उनको पता है सब एक्सप्लेन करेंगे, right? So that is another tool, and the last tool that I'm going to share with you is ideas or the thoughts. हमेशा बच्चों को ये बताना है कि अपने ही आइडियाज, अपने ही थॉट्स पर लिमिटेड नहीं रहना। जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी टास्क दैट हैज बीन असाइन्ड टू यू, सो उसमें एक तो आपके थॉट्स हैं, एंड देन यू नीड टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ उसी लेंस के साथ ना देंगे, दूसरे का लेंस भी उसको यूज करके देखें कि उसके थॉट्स क्या है, उसका विजन क्या है, तो accordingly we will be able to articulate our thoughts properly. So these were another 10 strategies that I just wanted to share with you. So in the upcoming recording, I will be sharing with you 10 more tools to enhance your teacher's toolkit. Till then, keep watching Mentoring the Mentors, like the videos, share the same with your teachers in your community if you really would love to do so. And do share your feedback in the comment section below. Thank you from Meenakshi Narula.